हेलो दोस्तों, आज हम कनक्स किचन में बनाने वाले मैगी। मैगी तो वैसे सबको बनाने आती है, लेकिन हम बनाएंगे करी फॉर्म में। और मैं आपसे शर्त लगाती हूँ कि अगर आपने इसका एक टीस्पून खाया ना, तो आप पूरी प्लेट ही चट कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए पैन में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1 प्याज जैसे बारीक कटा हुआ, और इसको मिक्स करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो प्याज को 3 से 4 मिनट ही पकाना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, बस उतना ही। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और 1 टेबलस्पून ही बारीक कटा हुआ लहसुन। अच्छा, नॉर्मली सब लोग ना यहाँ पे क्या करते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, फ्लेवर तो उससे आता ही है, लेकिन अगर आप बारीक ऐसे डालेंगे ना, तो उसका बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर टेस्ट बढ़ जाता है, बिल्कुल चाइनीज जैसा लगता है। जब मुंह में आते हैं ना अदरक लहसुन के पीस, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको कुक करेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, जब अदरक लहसुन के पीसेस फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आज डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी गाजर और कैप्सिकम, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज मेरे बच्चों ने बोला है आज ज़्यादा वेजिस नहीं डालना। पर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे वेजिस डाले, तो आपको तो पता है बीन्स, मटर, कॉर्न्स, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो आप डाल के यहाँ पे फ्राई कर सकते हैं। तो गाजर और कैप्सिकम को भी बस मैंने 1 मिनट पकाया। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर ऐसे बारीक कटे हुए। तो टमाटर फ्रेंड्स आप थोड़े से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसी की वजह से बेस में ग्रेवी आएगा और जूसीनेस आएगा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये सॉफ्ट और मशी ना हो जाए। ये देखिए, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट ही होने लगे हैं, तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मुट्ठी मटर की। तो मैं फ्रोजन मटर यूज़ कर रही हूँ, अगर आप फ्रेश भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाइएगा। इसको भी मिक्स करेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर बढ़िया से कलर के लिए, क्योंकि अगर मैगी दिखने में सुंदर लगती है ना, पता है फ्रेंड्स आप सबको, तो खाने में तो और मज़ा आता है। 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, बिल्कुल पिंच में डाल रही हूँ गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मसाले कितने अच्छे से भुन रहे हैं तेल में। और अगर आपको लगे ना, तो टमाटर को आप बैक ऑफ द स्पून से थोड़ा सा मैश मैश कर सकते हैं। और इस वक्त हम क्या करेंगे ना, बेस सूखने लगा है, तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर इसको ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, बस 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए, लेट हटाकर चेक करते हैं, बेस कितना बढ़िया तरीके से पक गया, एकदम दरदरा दिख रहा है, ऊपर से तेल भी छूटने लगा है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 पैकेट्स मैगी, तो जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ करीबन 4 कप पानी, क्योंकि जितना आपको करी ज़्यादा बनाना है उतना ज़्यादा पानी डाल दीजिए, और मान लीजिए आपको सेमी ड्राई बनाना है तो कम डालिएगा। इसमें अच्छा सा बॉयल आने का वेट करेंगे। और इसी वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ 2 पैकेट मैगी टेस्ट मेकर, और इसको भी मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मैगी नूडल्स के केक। तो यहाँ पे मैं पूरा बार एक साथ डाल रही हूँ, आप चाहे तो उसको तोड़ तोड़ के भी डाल सकते हैं। और इसको मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए पहले। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया बेस के साथ। फिर हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस अच्छा फ्लेवर के लिए, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। तो बस इस वक्त अब मैगी को बिल्कुल भी ढकना नहीं है, इसको मिक्स मिक्स करके पकाएंगे। मैगी को पकने में समय नहीं लगता है, वरना अगर आप ढक के पकाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि पानी कम है, तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, वरना क्या होगा ना, मैगी एकदम नरम पड़ जाएगी और पूरी सूखी सूखी अजीब सी लगेगी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और टिप देती हूँ, इसमें आप चाहें तो और भी चाइनीज सॉसेस डाल सकते हैं, जैसे सोया सॉस, रेड चिली सॉस। लास्ट में हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया। बस इस गर्मा गर्म मैगी को सर्व करेंगे। लग रही ना बहुत ज्यादा मजे की है, तो सिंपल मैगी पर बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को ढेर सारे लाइक जरूर दे दीजिएगा। और स्पेशली अगर आप मैगी लवर हैं, तो इस वीडियो कम से कम 3000 लाइक्स तो बनता है। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।